चलिए बात कर लेते हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में। 396 रुपये 70 पैसे का आसपास स्टॉक चल रहा है, और ये वीडियो मैंने इस स्टॉक पे मैंने वीडियो कब बनाई थी, जब स्टॉक करीब करीब 250 के आसपास था। तब से स्टॉक ने क्या मोमेंटम दिया आपने देखा ही होगा, बहुत ही खतरनाक स्टॉक भागा है। मतलब 30% का रिटर्न 6 महीने में, और ऐसा भी नहीं छोटी कंपनी है ये, कंपनी लार्ज कैप की, 56 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लार्ज कैप की कंपनी ऐसे 30% का रिटर्न जल्दी नहीं देती 6 महीने में, बहुत कम ऐसी कंपनी है जो कि 6 महीने में 30% तक रिटर्न दे देती है। मैक्स अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक चल रहा है, बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस है स्टॉक दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम चेंज करके 1 वीक का कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा। इसमें आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल ये पोल है और ये फ्लैग है, उसका ब्रेकआउट हुआ फिर परफॉर्म किया। आप देखें यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट लेगा, यानी कि कंसोलिडेशन दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। 360 तक मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक आ सकता है, इस पॉइंट पे टच कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नहीं करना, याद रखिए। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक 410 चला जाए, 420 चला जाए, 440 चला जाए, लेकिन इसमें एक रिट्रेसमेंट आएगा। आप खुद सोचिए, बॉल अगर ऊपर जाती है तो नीचे तो आएगी ना, तो एक लेवल है हर स्टॉक के ऊपर जाने का, उसके बाद वो जरूर नीचे आएगा। तो जितना ऊपर जा रहा है अभी जाने दीजिए, इसको टच करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा करेक्शन हो, तब बाय करना है आपको। अगर बाय फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये स्टॉक बाय करने लायक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे सिचुएशन में स्टॉक का जो प्राइस है वो नहीं चल रहा है। बाकी स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना, तो उसने धूम कब मचाना शुरू किया है, कब से मचाना धूम शुरू किया है, जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जब गिरावट हुई थी कोरोना के समय में, उसके बाद स्टॉक बहुत नीचे चला गया था। मतलब स्टॉक कहाँ तक चला गया था, 68 के आसपास, उसके बाद से स्टॉक ने कभी मुड़ के देखा नहीं, लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है। देखिए 68 रुपए से कब 400 तक तो पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन अब लोग देख रहे हैं। क्योंकि जब आप जब भी देखेंगे जो बड़ी रैली होती है ना, वो कब आती है, एक शार्प फॉल के बाद रैली आती है। ये जो आपको वी शेप दिखता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है, इसमें कोई एंटर नहीं कर पाता। इसमें एंटर कौन करता है, बड़े प्लेयर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशन करते हैं। हमें इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना होगा, अगर हम इंस्टीट्यूशन की सोच के तरह नहीं चलेंगे तो मार्केट से मोटा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब स्टॉक में कोई गिरावट हो, फंडामेंटल उसका अच्छा हो, फालतू गिरावट हो, तो वहां पे खरीदने की सोचिए, ना कि बेचने की। लेकिन हम लोग एज अ रिटेलर थोड़ा गड़बड़ करते हैं, हम लोग देखते हैं अरे भैया सपोर्ट ब्रेक हो गया, आओ चलो बेच देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, और इसी चक्कर में लॉस करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, जब कोई फंडामेंटल अच्छे कंपनी में सब कुछ सही चल रहा हो, कोई न्यूज ना आ रही हो, वहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, यहाँ पे कोई भी स्टॉक के बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें ना कर रहा हो, और उसमें तब भी सपोर्ट ब्रेक हो जाए, तो वहां पर लेने के सोचिए, ना कि बेचने की। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आई होप हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बताया कि अभी बाय मत करिए। अगर आप जलते हुए आग पर हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा। तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट का वेट करिए, जब स्टॉक 360 है, 350 है, वहां पे लेने की सोचिए, अभी बिल्कुल नहीं। बाकी एंड में आप, मैं आप ही पे छोड़ूंगा, बाय या सेल करना ये आप ही को डिसाइड करना है। ओके, आई होप वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।